खबर बूंदी के हिंडौली से है, जहां तालाब गांव के पास युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त सथूर गांव के फीतापुरा निवासी सुरेश मीणा के रूप में की है। मृतक सुरेश देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था और मृतक के हाथ और सिर पर गहरी चोट के निशान भी पाए गए हैं और इसे पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। नाकी के पास में ठेका था, यहाँ पे रहता था ये, और दो तीन दिन में घर पे भी जाता था ये। और कल शाम को 8 बजे के बाद में ठेका बंद करके केस दे दिया था उसको, मालिक को। और 8 बजे के बाद में सर ये क्या हुआ हादसा, ये हमारे को पता नहीं, एक्सीडेंट हुआ कहीं से जाता था ये, मर्डर हुआ इसका कोई हमारे को पता नहीं, मामला संदिग्ध है। हाँ, मामला संदिग्ध है। जैसे कि हाईवे रोड को ब्रेक कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसी तालाब में वहाँ पहुँचे थे, आसपास के आदमी को भी बुलाया था, उससे उसकी पहचान वगैरह करवाई, तो उसकी पहचान सुरेश सुनोम नंदा पीतापुरा थाना हिंडोली सदर का रहने वाला है। और वो बालचंद पाटन में किसी शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था, उसके बाद में दुकान वकान बंद करवा कर वो गौर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ कैसे पहुँचा, कैसे पड़ा, कैसे उसके सर्वर में थोड़ी चोट वोट भी लग रही है, ऐसे लग रहा जैसे किसी को चोट गिरने से या किसी देने करने से उसकी चोट आई हुई है। तो परिजन वगैरह इसे थोड़ा आसपास से पूछताछ से पता चलने पर उसके घर वालों को बुलाया, उसकी पहचान वहचान करवा दी, उसकी डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम में करवा दी, पोस्टमार्टम करके इनके परिवार वालों को सपोर्ट करने के बाद में फिर आगे जो भी जैसे भी होगी वो बता देते हैं।